प्यारे विद्यार्थियों अते सत्कार योग अध्यापक साथियों, अज आपां शरीरक सिक्ख्या अते खेडां विषय दे क्वेश्चन पेपर बारे जानकारी हासिल करांगे। आपां इह क्वेश्चन पेपर पंजाबी मीडियम विच वी जाणांगे ते इंग्लिश मीडियम दे विच वी। विशा है शरीरक सिक्ख्या अते खेडां, जमात है प्लस टू, कुल अंक बराबर 25, पास अंक बराबर 8। साथियों ये पेपर नवंबर 2022 दे टेस्ट वास्ते है। सारे प्रश्न करने जरूरी हन। साथियों जेड़े पहले 6 प्रश्न हन वो एक एक अंक दे हन। पहला प्रश्न है बीपीएड दा कोर्स किन्ने सालां दा है। दूजा प्रश्न शरीरक सिक्ख्या दी भारत विच होंद कदों हुई। नंबर 3 खेड सट्टां की हन। नंबर 4 मोच दे कोई 2 लक्षण दसो। नंबर 5 खिचाव तों की भाव है। नंबर 6 डीपीएड कोर्स लई योग्यता दसो। साथियों इस तों बाद क्वेश्चन नंबर 7 तों लैके क्वेश्चन नंबर 10 तक 2-2 अंकां दे प्रश्न हन। सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा बारे लिखो। क्वेश्चन नंबर 8 डिप्लोमा इन योगा बारे लिखो। क्वेश्चन नंबर 9 द्रोणाचार्य अवार्ड किसनों दिता जाता है। नंबर 10 प्रतक सट्टा की हन। साथियों 11वां प्रश्न अते 12वां प्रश्न 3-3 अंकां दे हन। 11वां प्रश्न है खिडारियों लई फिजियोथेरेपिस्ट दा की रोल है। क्वेश्चन नंबर 12 खिचा की है, इसदे की लक्षण हन। 13वां प्रश्न है हड्डी दी टुट दियां किस्मां बारे विस्थार पूर्वक जानकारी दिओ। जां शरीरक सिक्ख्या विच किते अते खेड अवार्ड दी की महत्ता है। शरीरक सिक्ख्या दी भारत विच होंद बारे नोट लिखो। साथियों जिहड़ा 13वां प्रश्न है जिहदे विच इक ऑप्शन दित्ती गई है तुहानूं, इह 5 अंक दा प्रश्न है तां कुल अंक जिहड़े अपने कोल बण गए उह बण गए 25 ते जिस दे विचों पास अंक हन 8। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स क्लास प्लस 2 नवंबर 2022 टेस्ट, टोटल मार्क्स 25, पास मार्क्स 8, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 हाउ मेनी इयर्स इज बीपीएड कोर्स, 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 2 व्हेन डिड फिजिकल एजुकेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया, 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट आर स्पोर्ट्स इंजरीज, 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट एनी 2 सिम्टम्स ऑफ अ स्प्रेन, 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रेन, 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेट एलिजिबिलिटी फॉर डीपीएड कोर्स, 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 7 राइट अबाउट डिप्लोमा इन योगा, 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8 write about certificate course in yoga, 2 marks. Question number 9 whom is given the Dronacharya award, 2 marks. Question number 10 what are direct injuries, 2 marks. Question number 11 what is the role of a physiotherapist for players or sportsmen, 3 marks. Question number 12 what is strain, write its symptoms, 3 marks. Question number 13 having a option, what is the importance of occupations and sports awards in physical education, 5 marks. Or write in detail about types of fracture. Sathiyo jekar is video rahein tuhanu koi jankari prapt hui hai ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੈਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗਿਆਨਵਰਧਕ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਥੀਓ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ PDF ਬਣਾ ਕੇ
कोई लिंक क्रिएट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच पा देवां। तुसी एक बारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स नूं चैक जरूर कर लेना है। जेकर तुसी इसे तरह दीआं फिजिकल एजुकेशन वेलकम लाइफ जां इंग्लिश जां होर विशेआं दीआं वीडियोज़ देखना चाहुंदे हो। दोस्तों फिजिकल एजुकेशन तो इलावा तुसी इस चैनल ते इंग्लिश हिस्ट्री एनवायरमेंट समाज सेवा कोरोना केयर आदि अनेक टॉपिक्स ते वीडियो वेख सकते हो। चैनल नूं सबसक्राइब करन ते धन्नवाद। यूट्यूब दी सर्च बार दे विच आपां दिनेश एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स लिखना है, साडे कोलों एक नवां पेज आ जाएगा। उंदे उपरले पासे लिखा हुआ दिनेश एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ते हेठां ऑप्शन दित्ती है सबसक्राइब दी। तुसी डायरेक्ट इत्थों भी सबसक्राइब कर सकते हो। जेकर कोई वीडियो देख रहे हो, जिवें कि आपां चैनल खोल लिया ते आपां कोई वीडियो देख रहे हाँ, तां जदों वीडियो चलेगी साडे कोल कुछ ऑप्शनस आणगीआं, तां साडे कोल ऑप्शनस आ गईआं इत्थे जिथे फोटो लगी है हेठां दिनेश एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स लिखा होया। इहदे नाल आ सबसक्राइब का बटन है, तुसी सबसक्राइब का बटन नप लेना इस नूं ते तुहाडे कोल तीन ऑप्शनस आणगीआं। जदों इस नूं आपां नपांगे तां तीन ऑप्शनस आणगीआं, उहदे उपर लिखिआ होया ऑल, तां ऑल दी ऑप्शन जिहड़ी है ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।